क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक है, एंड आपके पास बैंक, और बैंक अकाउंट लास्ट में डालेंगे। रीजन ये कि हमें बीच में कैलकुलेशंस करनी है, हर क्वेश्चन में कोई ना कोई पॉइंट होता है। हाईलाइटर से अगर आप मार्क करोगे तो उसमें कमीशन देनी रिसीव करेगा बी, उससे जिसको की पेमेंट हो रही है, जिसको की पेमेंट हो रही है, ठीक है जी। तो सबसे पहले सन्ड्री एसेट्स, बैलेंस शीट की जो जो चीजें वहां बचा दो। सन्ड्री डेटर्स 16,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, स्टॉक 10,000, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स 4,000, ट्रेडमार्क, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 10,000, ठीक है जी। इसमें ध्यान से देखो, सिर्फ एक ही बंदा इंसॉल्वेंट हुआ, सी, तो जिससे आपने लोन लिया हुआ पार्टनर से लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा, ए इज लोन अकाउंट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है जी। क्लोज करते हैं, 16, 10, 26, 4, 30 और 7, 10,000, कैपिटल बैलेंसेस भी साथ के साथ ही लिख दो, ए एन बी का है क्रेडिट बैलेंस, बाय बैलेंस ड्रॉन डाउन 20,000, 15,000, टू बैलेंस कैरेट डाउन ड्रॉट डाउन सॉरी स्पेल 16,000 एंड 6,000। अब सारा दिमाग लगाना है कैसे रियलाइज हुई है। He was to entitled to receive a 5% commission on the amount finally paid to others as capital. He was to bear the realization expenses. उसको कमीशन देंगे और सारे खर्चे वो खुद बियर करेगा। चलो जी, अब कमीशन तो कैपिटल से ही मिलेगी, रियलाइजेशन तो मिल नहीं सकती, क्योंकि उसको जब तक यहाँ इसको कंप्लीट करने के लिए पहले इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। चलो, एसेट रियलाइज्ड एज फॉलो, कहता है एसेट बिक गई, बाय बैंक अकाउंट, सन्ड्री डेटर्स 11,000, स्टॉक 8,000, फर्नीचर एंड फिक्सचर 1,000, ट्रेडमार्क 4,000, बैंक अकाउंट, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स की पेमेंट फुल करनी है 10,000, इन एडिशन टू सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 15,500, 16 क्रेडिटर्स 15,500 प्लस एडिशन एक्स्ट्रा पे करने पड़े 2,500, तो क्रेडिटर्स 15,500, 18,000। चलो, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी 30,000 में, जो कि सरेंडर होगी 3,000, देखा जाए तो अनरिकॉर्डेड मिल रहा है, जो मिल रहा है रिसीव करो, एक्सपेंसेस नहीं लिखने क्योंकि वो वहां से आपको खुद ही बियर करेगा बी। सी वॉज इंस्टॉलमेंट, पर उससे फिर भी 3,700 मिल रहे हैं, तो इंस्टॉलमेंट कौन है, सी। तो पहला काम हमारा खत्म होने जा रहा है, 11, 18, 20, 24, डेबिट साइड ज्यादा ही होती है ऐसे केसेस में, 55,000 बाय लॉस ट्रांसफर टू
कैमरा लगा, 12 था, ए बी सी, PSR है इनका, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3:2:2, ठीक है जी, गॉट इट। 12,000 को बांट दो, बैंक पेमेंट इसकी भी साथ के साथ निपटा दी जाए, ठीक है जी। अब इधर आ जाओ, लो जी, टू रियलाइजेशन लॉस, ध्यान से देखो, कोई इन्होंने वो तो नहीं करा हुआ ना, गार्नर वर्सेस मूरे रूल लगाओ या ये करो वो, पर कुछ भी नहीं दिया, फिर भी चेक कर, ठीक है जी। सामान कोई कोई ले नहीं गया। सी के बारे में सबसे पहले इंफॉर्मेशन है कि उसने कोई जनरल रिजर्व नहीं है, कुछ नहीं, ठीक है ना। सी इंसॉल्वेंट है, सी अकाउंट सबसे पहले क्लोज कर दो, 18,400 जो दे रहा है रिसीव करो बाय बैंक अकाउंट 37,000, ठीक है जी। 14,700 की डेफिशिएंसी, 14,700 की डेफिशिएंसी, ठीक है जी, जो कि बियर कर लेंगे आपस में ए एंड बाय एज कैपिटल अकाउंट एंड बाय बी कैपिटल। रीजन है, वैसे तो डी भी सॉल्वेंट है, पर जब जिसका डेबिट बैलेंस चल रहा होता है ना, उससे हम डेफिशिएंसी बियर नहीं करवाते कि उसके उससे उसके ही पैसे मिल जाए, यही बहुत होता है। तो कैपिटल रेशियो होगी इनकी 4:2, कैपिटल रेशियो एज टू बी 4:3, लो जी। अच्छा, और ये लिख देंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट, ये इनको प्रोवाइड करना पड़ा, इनकी कैपिटल से कम कर दिया 63,000। अच्छा, अब बी की कितनी पेमेंट हो रही है देखा जाए, ए की 20,000 में से ये तो पैसा कट जाएगा, माइनस 8,000 बनते हैं, कहता है इसको 5% कमीशन देनी है, ऐसे देनी है जो फाइनल पेमेंट आए ना वो उसका 5%, तो वो उसका 5%, देयरफॉर 20 कमीशन, 20,000 माइनस 3600 माइनस 8,300 दैट इज 8,000। तो ऐसे पे करना है कि उसकी कमीशन चार्ज करने की आफ्टर पेइंग सच कमीशन, सम कमीशन, ठीक है ना। तो डिवाइडेड बाय अगर हम करेंगे तो कमीशन आई उसकी 381। तो ये चीज जरूर समझ लेते, वर्ड क्या लिखा हुआ है, उसे बोले जो उसकी कमीशन पे करने के बाद आएगा उसका 5% होना चाहिए, दैट इज 381। तो लिखेगा मैं बी को दे रहा हूँ 381, बाकी पेमेंट कर दी जाए टू बैंक अकाउंट 8,000 माइनस 7,600, इसको मिल जाएगी, ये लिख देगा बाय एज कैपिटल, मेरे को मिल गए, अब इसकी बाकी फाइनल पेमेंट कर दी।
ठीक है जी, बैंक अकाउंट, बैंक में बैलेंस है आपका 2000। ठीक है जी, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है जी, टू सीज कैपिटल अकाउंट 3700, टू डीज कैपिटल अकाउंट 8400। देखो लोन भी पे किया हमने ए का, बाय एज लोन अकाउंट, कैपिटल की पेमेंट से पहले लोन की पेमेंट हो जानी चाहिए, बाय एज कैपिटल अकाउंट, बाय बीज कैपिटल अकाउंट। पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर, यू गेट 16। सारा ध्यान, पहले इंफॉर्मेशन पढ़ो, पहली इंफॉर्मेशन नॉर्मल, दूसरी भी, तीसरी भी, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, ऑफिस है, कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे। वीनस बिकम इंसॉल्वेंट, नथिंग वाज रियलाइज्ड फ्रॉम एंड अप्लाई द प्रिंसिपल लेड डाउन इन गार्नेट वर्सेस मुरे। गार्नेट वर्सेस मुरे में क्या होता है कि आपको जो सॉल्वेंट पार्टनर्स होते हैं, जो डेफिशिएंसी बियर करेंगे, वो अपने लॉस के पैसे को कैश में लाएंगे, लॉस के पैसे को किस में लाएंगे, कैश। ठीक है जी, जैसे जो डेफिशिएंसी बेयर करेंगे वही लाएंगे। आइए अब सबसे पहले रियलाइजेशन बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले नेपच्यून जुपिटर वीनस प्लूटो, नेपच्यून जुपिटर वीनस प्लूटो,
by Wallace brought down 1,11,000. ठीक है जी, और इनका है इस तरफ सुबालन ब्रॉड डाउन 10,012,000। सबसे पहले आप लोग जीवन लिख दिया फटाफट, सबसे पहले आप शुरू से बैलेंस शीट में आ गए टू सन्ड्री एसेट्स। हर क्वेश्चन में कोई ना कोई पॉइंट होगा, उसको हाईलाइटर से मार्क कर लो, नहीं तो फंस जाओगे, क्योंकि पेपर में 2 घंटे का टाइम होता है। Premises, furniture, stock, debtor, 1,20,000, 40,000, 1,00,000, and by sundry liabilities, sundry creditors, मॉर्गेज लोन, मॉर्गेज यानी गिरवी रख के कुछ आपने उधार लिया। मॉर्गेज लोन क्रेडिटर्स हैं 20,000 के, मॉर्गेज लोन हो गया 80,000, ये हो गया 1,00,000। पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन, कैश है बैंकर्स, कैश बाय डेटर स्टॉक फर्नीचर प्रीमिसेस, डेटर 24,000 में देख गए, ये हो गया 60,000, इसके मिल गए 16,000, इसके हो गए 90,000। कैश एक्सपेंसेस फर्दर क्रेडिटर, जितने क्रेडिटर्स हैं उसमें 12,000 की ज्यादा की पेमेंट होगी, यानी 32,000। मॉर्गेज लोन की कोई बात नहीं बताई हुई, तो यानी पूरे पे हो जाएंगे, जिसने भी हमसे पैसा लेना है वो कभी भी छोड़ेगा नहीं। जनरल रिजर्व कैपिटल रिजर्व सीधा आपके, अच्छा, और ये जनरल रिजर्व और कैपिटल रिजर्व है दोनों बैलेंस शीट में आ जाएगा, सॉरी कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगे। जनरल रिजर्व 56,000, ठीक है जी, कैपिटल रिजर्व बाय कैपिटल रिजर्व भी कैपिटल में आ जाएगा, ठीक है जी, ये भी हो गया बाय जनरल रिजर्व बाय कैपिटल। अब देखो क्या आता है, 4,36,1,16,000 लॉस है इसमें 1,26,000। 1 by 1 करते रहेंगे, 4,16,000 1,00,000 NJVP to realization loss 54,000, 36,000,
18,000 सबसे पहले वीनस की स्टोरी सुनी, और गार्नर वर्सेस मूरे रूल भी लगाना है, लगाएंगे वही जिनके क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है नेपच्यून एंड जुपिटर के, तो ये कैश ले आएंगे। वीनस टाटा बॉय पे कर रहा है क्योंकि वो इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। वीनस का अकाउंट क्लोज करो, 28,000 में से 10,000 के 18,000 की डेफिशिएंसी है, तो कैपिटल रेशियो ऑफ ठीक है जी 24 और 36 1,00,000 जुपिटर थर्टीन इज टू 8 देर फॉर डेफिशिएंसी बियर बाय नेपच्यून बाय नेपच्यून कैपिटल अकाउंट बाय जुपिटर कैपिटल नॉर्मल सी है, जैसे कि बाकियों से पैसे जो मंगा सकते मंगा लो, इसमें वीनस ने तो कुछ दिया ही नहीं था क्या।
ठीक है जी, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। अब बनाएंगे कैश। कैश में देखो बैलेंस कितना है हमारे पास, कैश में पड़े हुए 8,000। टू रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है जी। टू नेपच्यून कैपिटल अकाउंट, ये जो वो पैसा लाए हैं लॉस वाला, ठीक है ना, गार्नर वर्सेस मुरेल। जुपिटर कैपिटल अकाउंट, बाय वीनस कैपिटल, सॉरी बाय नेपच्यून कैपिटल अकाउंट, बाय जुपिटर कैपिटल अकाउंट, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले से नोट कर लो फिर अगला क्वेश्चन। ठीक है जी, चले आएंगे अगला क्वेश्चन, बहुत कुछ कंटेन करता है। क्वेश्चन नंबर 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये प्रोविजनल रियलाइजेशन कौन बनेगा इसको सबसे पहले? प्रॉब्लम क्या है, जब भी सब पोजीशन सारे डेटर्स, सॉरी जो सारे पार्टनर हैं उनकी पोजीशन डाइसी है, ठीक है। जैसे कि फर्म, अब बैलेंस शीट पढ़िए पहले, तो मिसेस ए से लोन लिया हुआ है विद ए चार्ज ऑन स्टॉक, ठीक है जी, लोन लिया हुआ है 15,000 का, स्टॉक है 20,000 का, जबकि स्टॉक वाद बिका कितना है, सिर्फ 10,000 का। फिक्स एसेट एंड डेट रियलाइज 30,000 इन ऑल। ए की प्राइवेट एसेट है 10,000, उसकी प्राइवेट लाइबिलिटी है 15,000, यानी कुछ मिलने का चांस ही नहीं उससे तो, ठीक है जी। अगर कुछ लेने की बारी आएगी तो उसको कुछ है ही नहीं देने के लिए,
बी के पास 8,000 रुपए की प्राइवेट एसेट है और लाइबिलिटीज है 6,000 रुपए की। अच्छा, सी वॉज एबल टू पे 50% इन द रूपी बट पेबल ऑन इज ऑन अकाउंट टू बी पार्टनरशिप। सी कहता जितना भी मेरा हिस्सा बनेगा उसका 50% मैं दे सकता हूँ। द पार्टनरशिप शेयर इन प्रॉफिट लॉस इन रेशियो 4:3:3 फॉर ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। द लॉस ऑन रियलाइजेशन इज टू बी डिटरमाइंड आफ्टर कंसिडरिंग द अमाउंट फाइनली पेड टू क्रेडिटर्स। इसको आप हाईलाइटर से मार्क कर लीजिए, ठीक है जी, ये हाईलाइटर से क्या कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये बड़ा क्रंच पॉइंट है इस क्वेश्चन का। देखा जाए तो सी भी इंस्टॉलमेंट है, ए तो है ही, अब ये तो इंस्टॉलमेंट तब माने जाएंगे जब इनसे पैसे लेने होंगे, ठीक है ना, अगर देने होंगे फिर इंस्टॉलमेंट नहीं है। अगर फर्म ने इनके पैसे देने हैं तो ये इंस्टॉलमेंट नहीं है, बट अगर फर्म ने इनसे लेने हैं और इनके इन्होंने अपनी अपनी रिस्ट्रिक्शंस बता दी हैं, ये पैसे नहीं दे पा रहे हैं, तो ये इंस्टॉलमेंट हो जाएंगे, ठीक है। आओ जी ध्यान से करेंगे, पहले बनेगा प्रोविजनल रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। Debtors, stock, bank तो खैर बैंक ही है, ये पुराना लॉस पड़ा हुआ 30,000, डेबिट ऑल द लॉसेस बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स मिसेस ए लोन 15, एज लोन ए पार्टनर है क्योंकि सबकी पोजीशन डायरेक्ट से ही है, तो इसका लोन उसके वहीं पर शिफ्ट कर दिया जाए। पार्टनर लोन या तो लोन की पेमेंट अलग से कर दो, पर लोन की पेमेंट भी हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास पैसे होंगे, ठीक है ना जी। अच्छा ये हो गया आपका 64:20:55, ठीक है। स्टॉक बिकने की बारी आई, बाय बैंक अकाउंट स्टॉक बिका है 10,000 और अदर एसेट्स बिकी हैं 30,000 टू बैंक। मिसेस ए लोन, मिसेस ए लोन के 10,000 से स्टॉक वाले उठा के उनको दे देंगे, वैसे उनके 15,000 देने हैं, देने कितने हैं 15,000, ठीक है जी। कैश अकाउंट बैलेंस ब्रॉड डाउन पड़ा हुआ है 1,000, रियलाइजेशन अकाउंट से आए 40,000, जिसमें से कि पे भी कर दिए गए बाय रियलाइजेशन अकाउंट 10,000, ठीक है जी। गॉट इट। अच्छा सी से भी मिल जाएंगे, बी से भी मिल जाएंगे 2,000, पॉइंट को समझने की कोशिश करना, बी से भी मिल जाएंगे 2,000, ए के पास तो कुछ नहीं है। अच्छा अब जितना पैसा बचा, जैसे ये हो गया 43,000, ध्यान से देखो 43 है, 10 तो चले ही गए, बचे कितने 33,000। अब हम सी पे डिपेंड कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, सी पे डिपेंड कर रहे हैं भी, सी से जितना भी पैसा आएगा वो भी हम मिला के क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दूँ। क्रेडिटर्स के आप ध्यान से देखो 40,000 ये देने हैं और ये मिसेज है उनके 5,000, 45 देने हैं और हमारे पास सिर्फ 33 है, हमारे पास सिर्फ कितने हैं 33, तो हम सी पर डिपेंड कर रहे हैं कि उससे कितने पैसे मिल जाएं, तो लिख लेंगे जैसे कि सी से मिले, सी कैपिटल अकाउंट एक्स रुपीस, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट से देना पड़ेगा, क्रेडिटर्स प्लस मिसेस ए लोन 33,000 प्लस एक्स, ठीक है जी, 43,000 प्लस एक्स, ये हो गया 43,000 प्लस एक्स, ठीक है। तो सन्ड्री क्रेडिटर प्लस मिसेज ए लोन, मान लो हमने दिए हैं 33,000 प्लस, तो ये हो गया 43,000 प्लस एक्स, चालीस हजार लॉस आया, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपने पहला क्वेश्चन देखा होगा कि प्रॉपरली हम लोग डिपेंड कर रहे हैं सी पर, देने हमने मिला के 45 पर 33 तो कैश पड़ा है, चलो हम सोचते हैं कुछ कैश सी से भी मिल जाए, कुछ कैश किससे मिल जाए सी से,
हमने ज्यूम कर लिया एक्स रुपीज मिले, हमें क्या मिले हैं एक्स रुपीज। ये पहले प्रोविजन बना रहे हैं, ठीक है जी। लो जी, बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कौन कौन है जी, ए बी सी, प्लस बांट देते हैं इनको, 32,000 प्लस एक्स रेशियो क्या दे रखी है इनकी, 4:3:3। पहले फिलहाल सी का ही बांट लो, क्योंकि हमें तो सी पे डिपेंडेंसी है। कैपिटल अकाउंट ये भी प्रोविजनल है, पक्के नहीं है, ये भी प्रोविजनल है, ठीक है जी। अगर देने होंगे तो कोई दिक्कत, लेने में है तो दिक्कत है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000, ए ने तो पहले ही हाथ खड़े कर दिए मेरे पास पैसे ही नहीं है, ठीक है जी। टू रियलाइजेशन लॉस 9600 प्लस 3x बाय, ठीक है जी। यहाँ पुराना लॉस वगैरह भी पड़ा हुआ है 30,000 का, उसको भी बांटेंगे। टू लॉस 30,000 का 3/10 कितना हो गया 9,000, ये लॉस होके हो गया 18,600 प्लस 3x बाय, क्या लिखेंगे, बाय कैश, कैश अकाउंट, बाकी हो गया बाय डेफिशिएंसी। लो जी 4,800 प्लस 3x बाय 20, क्योंकि आधे पैसे उसने दे दिए, जो आधे दिए हैं दैट इज इक्वल टू x, 17x बाय 20, ठीक है जी। ठीक है जी, इसको नोट करो, फिर क्वेश्चन को आगे कंप्लीट करो। पॉज द वीडियो एंड इसको सारे को नोट कर लो, उसके बाद तो क्वेश्चन इजी है। नोट हमें मिले
5059 मिल गए तो हमने पेमेंट कर दी 3805, ये हो गया 4805। ये अब आपको एक्चुअल रियलाइजेशन रियलाइजेशन अकाउंट आ गया 4:3:2। चेक कर लेते हैं पी एस आर 4:3:3। कैश अकाउंट तो देखा जाए यही खत्म हो जाएगा। आपने उनसे कितने ले लिए हैं 3805 पे हो जाने हैं और 480 हाँ ठीक, वो तो पहले लिख ही दिया हमने, क्या ये होगा 4805। ठीक है जी, कैपिटल अकाउंट बना लो, कैश पहले ही फिनिश हो चुका है, अब सारे के सारे डाइसी पोजीशन वाले हैं, सारे के सारे इंस्टॉलमेंट बने हैं। ठीक है जी, एक नई चीज सिखाऊंगा इसके अंदर आपको, कैपिटल अकाउंट बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000, 20,000, 10,000। पहले बैलेंस शीट चेक, बैलेंस शीट में और क्या है, पुराना ए का लोन भी है, बाय लोन अकाउंट। ठीक है जी, और पुराना लॉस पड़ा हुआ 30,000 रुपये, लॉस अकाउंट 12,000। रियलाइजेशन लॉस ठीक है जी, बाय कैश अकाउंट 505, बी लेके आया 50 पर सी लेके आया 505 और बी लेके आया था 2,000। बी कितने लेके आया 2,000। सब कुछ फिनिश हो जाता है यहाँ पर आकर। ठीक है जी, जितने भी चीज़ें डेफिशिएंसी में ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी, जैसे कि ए की क्रेडिट साइड ज़्यादा है। ठीक है जी, ए की क्रेडिट साइड ज़्यादा है, ना इसको मिलने हैं ना इससे लाने, डेफिशिएंसी हो जाएगी बाय डेफिशिएंसी, ये हो गया 20,117 5058।
एक रुपए का फर्क आएगा वो कर ले। ये भी हो गया ठीक है। अब एक और छोटा सा अकाउंट बनेगा डेफिशिएंसी अकाउंट, ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। ये तब बनाया जाता है जब सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं ठीक है जी। टू सीज कैपिटल अकाउंट 5051 बाय एज कैपिटल अकाउंट 317 बाय बीस कैपिटल अकाउंट 1885 0 5 9 5 0 5 finish ठीक है जी। 18